दोस्तों पीरियड हम लड़कियों के लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम है, इससे ना पीछा छुड़ा सकते हैं ना इसका कुछ कर सकते हैं। और हमारे इस प्रॉब्लम में मुनाफा लूट रहा है सैनिटरी नेपकिन ब्रांड्स। ये लोग तो आविष्कार के ऊपर आविष्कार में लगे हुए हैं। पहले तो इन्होंने बोला कि हमें पीरियड में कपड़ा बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, ये कपड़ा अनहाइजेनिक होता है हमारे लिए। लो इस कपड़े के बदले यूज करो हमारे ये व्हाइट पैड। और उसके बाद मानो कि रोज नई नई पैड ब्रांड्स आना शुरू हो गया इंडियन मार्केट में। बट रिसेंटली कुछ स्टडी में पता चला है कि ये व्हाइट पैड अनहाइजेनिक ही नहीं डेंजरस भी है हमारे लिए। इसके बाद तो भाई सब और भी गजब हो गया। इन सैनिटरी नेपकिन ब्रांड्स के अंदर तो मानो कि फिलिप्स का भूत ही घुस गया हो। इन लोगों ने तो इनोवेशन की झड़ी ही लगा दी है, जैसे ऑर्गेनिक पैड, क्लॉथ पैड, मेंस्ट्रुअल कप और भी ना जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा अमेजिंग है रिसेंट वाला, ये पीरियड पैंटी जिसमें ना पैड यूज करने की जरूरत है, ना मेंस्ट्रुअल कप, ना और कुछ। और ये पैंटीज रीयूजेबल भी है, इनको धो के बार बार यूज किया जा सकता है। OMG, इसका मतलब पीरियड विदाउट पैड। तो दोस्तों आज मैं एक पीरियड पैंटी का रिव्यू लेके हाजिर हो चुकी हूँ। सो हे गाइस, मैं हूँ वासिमा और तुम लोग देख रहे हो वासिमा'स वर्ल्ड। सो इसके बारे में मुझे जब पता चला तब मैंने भी पैड फ्री पीरियड एंजॉय करने के लालच में ऑर्डर कर दिया लेबोस ओमेन पीरियड पैंटी। और तुम लोग सोच रहे होगे मैंने इसे ही क्यों ऑर्डर किया, ये बहुत अच्छा होगा इसीलिए। पर ऐसा कोई बात नहीं है, ये अच्छा है या बुरा है तब तो मुझे भी नहीं पता था। मैंने इसको ऑर्डर किया था इसीलिए क्योंकि ये सबसे सस्ता था। इसका प्राइस मुझे पड़ा था 349 रुपीज और मैं अभी भी गरीब ही हूँ। मैं गरीब हूँ। तो चलते इसके डेमो के ओर। तो तुम लोग देख ही सकते हो जब मैंने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी देना शुरू किया तब इसको कोई फर्क नहीं पड़ा और इजीली एब्जॉर्ब भी हो गया एंड इस साइड लीक भी नहीं हुआ। बट जब मैंने अचानक से थोड़ा सा ज्यादा पानी दे दिया तो देख सकते हो लीक हो चुका है। इसका मतलब ये उतना ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। और उससे भी ज्यादा पानी दे दिया तो ये दोनों साइड से लीक हो चुका है। इसका मतलब ये उतना ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब हो जाता है ये पैंटी मीडियम टू लो फ्लो के लिए ठीक है, बट हेवी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एंड इस कंपनी ने भी यही दावा किया है कि ये मीडियम टू लो फ्लो के लिए है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों ने कोई फेक प्रॉमिस नहीं किया है। सो इसके बाद चलते हैं इसके मटेरियल की ओर। दोस्तों ये पैंटी 52% ऑर्गेनिक कॉटन एंड 43% बम्बू फाइबर से बनाया गया है। और इस पैंटी में 4 लेयर है जो हमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन देता है एंड ये एंटी बैक्टीरियल भी है। इसे लेना चाहिए या नहीं तुम लोग खुद डिसाइड कर सकते हो क्योंकि इसका प्रोटेक्शन तुम लोगों ने देख लिया है। बट हाँ, मीडियम टू लो फ्लो के लिए तुम लोग ले सकते हो क्योंकि ये पैंटी बहुत कंफर्टेबल है। मतलब इसे एक बार यूज कर लोगे तो तुम भूल ही जाओगे कि तुम्हारा पीरियड चल रहा है, इतना ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर मेंस्ट्रुअल क्रैम नहीं होता है तो नहीं तो याद तो आएगा ही, बार बार याद आएगा। सो ये तो हो गया इसका रिव्यू। बट इससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसको धोने का तरीका क्योंकि अल्टीमेटली हमें हाइजीन मेंटेन रखना है। तो दोस्तों तुम इसे जब भी चेंज करोगे तभी इसे किसी बकेट में डाल देना पानी के अंदर, इससे इजीली सारा ब्लड निकल जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। और उसके बाद इसे अच्छे से हाथ से धो सकते हो या मशीन वॉश भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दोस्तों आज यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसके बाद एक मीडियम रेंज के पीरियड पैंटी का रिव्यू एंड उसके बाद एक हाई रेंज के पीरियड पैंटी का रिव्यू बहुत ही जल्दी आने वाला है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।